क्या नाम है आपका? अंकित कनौजिया। आप यूक्रेन के किस शहर में एजुकेशन ले रहे थे? टर्नोपिल शहर है। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं MBBS कर रहा था वहाँ से, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, अभी वहाँ यूक्रेन के हालात क्या है? अभी हालात ये हैं कि अभी तो ठीक हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे, और बच्चे निकलते हुए काफ़ी आ चुके हैं, पर अभी भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस होती जा रही है, डेली फ्लाइट्स आ ही रही हैं, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारी सरकार ने क्या मदद की आपकी, आपके निकलने में, और आप कैसे आए पहले तो ये बताएं। हम पहले तो टन्नूपिल से, हमारे शहर से एक प्राइवेट बस किया हमने, उसके थ्रू हम पहुँचे 15 लोग रोमानिया बॉर्डर पर। फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चले, फिर एग्जैक्टली बॉर्डर पे पहुँच गए, और फिर बॉर्डर पे फिर रुके, और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, और उसके बाद फिर रोमानिया एयरपोर्ट पे लेकर गए हमको, और फिर वहाँ पे हमको रहने का दिया। फिर रहने के बाद नेक्स्ट डे हमारा फ्लाइट हुआ फिर इंडिया डायरेक्ट दिल्ली। दिल्ली से भारत सरकार ने क्या मदद की इसमें? भारत सरकार ने ये मदद की कि हम रोमानिया क्रॉस करने के बाद फिर हमारा कुछ भी, कोई भी खर्चा नहीं हुआ। रहने के लिए भी एकोमोडेशन दिया, खाने के लिए भी दिया, और उसके बाद खाने के बाद हमारे को वापस रिटर्न, हमारी बस से हमको रिटर्न एयरपोर्ट लेकर आया, और एयरपोर्ट से दिल्ली तक फ्लाइट भी थी, वो भी फ्री रहा। जब आप यात्रा कर रहे थे तब कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आपकी बस पे भी कोई बम गिर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता था, लग रहा था, क्योंकि जब हम आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, एक शहर पड़ता चन्नीविस की, तो उधर साइड पर ऑलरेडी, और इवानो, तो वहाँ पर ऑलरेडी हो चुका था हमला। तो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो बीच में चेक पॉइंट पे पुलिस मिली यूक्रेनियन, तो उन्होंने भी बोला कि गाड़ी की लाइट वगैरह बंद कर लो, डिम लाइट कर लो, और फिर चलो। कुछ ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों के साथ मारपीट कर रही, क्या ये हकीकत है? हाँ, ऐसा हुआ है, रोमानियन बॉर्डर पे हुआ था, लेकिन उसका कारण ये था कि कुछ इलीगल तरीके से रोड, मतलब गेट को क्रॉस कर रहे थे, तब ये हुआ था, और फायरिंग भी हुई थी उस टाइम पे, कि डराने के लिए कि बच्चे अभी थोड़ा पीछे चले जाओ, आपको जाने दिया जाएगा जब थोड़ा धीरे धीरे नंबर आएगा। तब जो बॉर्डर है उस पर भी बॉर्डर जैसे हालात हैं क्या? बॉर्डर पे नहीं ऐसा हालात, वहाँ पे तो काफ़ी सेफ है, इसलिए तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। किन अभी हालात किस ढंग के हैं, मतलब अभी यूक्रेन में, और अभी कितने बच्चे अपने भारतीय, काफ़ी बच्चे होंगे, अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन कंफर्म देखा जाए तो कम से कम 10,000 के आसपास तो लगभग शायद होंगे अभी, और अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। कुछ बच्चे अभी पोलैंड तरफ जा चुके हैं, स्लोवाकिया चले गए, हंगरी जा चुके हैं, और रोमानिया, तो रोमानिया थोड़ा बेटर ऑप्शन होता, पास भी पड़ता, और वहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट भी आ रही है, और वहाँ से ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोसेस वो थोड़ा फास्ट वहाँ पर। जब आप वहाँ फंसे हुए थे तब क्या महसूस कर रहे थे? तब हम वहाँ फंसे थे, हमको डर लगता था रात में, और रात में बोलते थे लाइट बंद कर देना है, लाइट चली भी जाती थी, और कई बार तो फिर ये वो सायरन बजता था, तो फिर शेल्टर में जाना पड़ता था, फिर शेल्टर से फिर अगले दिन या फिर निकलो, फिर घर में जाओ, बहुत हालत ख़राब था वो। जब सायरन बजता था फिर तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता, रात को 11 बजे। आप जिस शहर में थे वहाँ बम धमाकों की आवाज़ या कुछ ऐसा? अभी तक तो हुआ नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि शूटिंग हुई है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन एग्जैक्टली मतलब कुछ बड़ा धमाका हो, कुछ बड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। जब लोग, आप लोग अंडरग्राउंड होते थे सायरन की आवाज़ सुन के, या वहाँ की जो भी, तो वहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था या कुछ दिक्कत तो नहीं? वहाँ तो खुद को लेके जाना पड़ता था, अगर जैसे खाना पीना अगर चाहिए तो खुद लेके जाओ, खाओ और सो जाओ वहीं पे, ऐसा होता था। क्या नाम है आपका? पुष्पा कनौजिया। आप अंकित जी की माता जी। आपका बालक जब यूक्रेन में था और आपको यहाँ TV पे आप देख रहे थे कि यहाँ युद्ध जैसे हालात हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? हमको डर लग रहा था, हमारा बच्चा पता नहीं कैसा फंसा है, क्या कारण से फंसा है। अच्छा, किसकी माँ को नहीं लगता? तो आपकी अपने बच्चे से बात होती थी? हाँ, होती थी ना। अच्छा, और जब वो घर आया तो आपको कैसा लगा? क्यों नहीं लगेगा भाई, अपना बच्चा आ गया घर।